फ्लाइट टिकट ले लिया मैंने, आप ही ले लिया करो, क्योंकि 10 रुपए के टिकट के चक्कर में 260 रुपए का फाइन मार दिया जाएगा। फाइनली यार मलाड पहुंच गया, दो दो ट्रेन चेंज करनी पड़ती है, इसीलिए आने का मन नहीं करता भाई इस सब मार्केट में। ये सब मार्केट में ना बिल्कुल आने का मन नहीं करता, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होता है, मुझे क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। अभी मैं जा रहा हूं यहां से पहले विरार स्टेशन, विरार स्टेशन से जाऊंगा मलाड मार्केट जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे और टाइम लग जाएगा मुझे, 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा मुझे मलाड पहुँचने में। चैनल पर नए हो तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लो, हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मलाड रिटर्न, आप ही लिया करो, क्योंकि 10 रुपए के टिकट के चक्कर में 260 रुपए का फाइन मार दिया जाएगा। इसके लिए बेइज्जती से बचने के लिए 10 रुपए का टिकट ले लिया करो आप लोग। अभी चलते हैं और देखते हैं कौन से प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है अपनी। 5:02 की एक ट्रेन है चर्च गेट के लिए। ये सब तो पूरा फुल है भाई, देखते हैं कहाँ जगह मिलती है अपने को, ये शायद खाली है भाई। बहुत ज्यादा क्राउड है, क्राउड है भाई, बट क्या करें, जाना ही पड़ेगा अपने को। भाई मैं बोरीवली में उतर गया हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ से चर्चगेट के लिए ट्रेन फास्ट हो जाती है, मेरे को जाना है मलाड को, मलाड के लिए मेरे को 100 लोकल लेनी पड़ेगी, तो मेरे को 5 नंबर प्लेटफॉर्म से मिलेगी, जाता हूँ 5 नंबर प्लेटफॉर्म पे। आ गए भाई मलाड की ट्रेन। ओ भाई फाइनली यार मलाड पहुंच गया, दो दो ट्रेन चेंज करनी पड़ती है भाई विराट से आने के बाद, क्योंकि चर्च गेट के लिए जो है ना फास्ट हो जाती है बोरे वाली सी, तो मलाड के लिए 100 लेनी पड़ती है। अभी मैं जाता हूँ बाहर, फिर देखते हैं मार्केट में क्या मिलता है अपने को। पूरा एरिया खाली है यार, पूरी मार्केट खाली है, क्योंकि अभी ना 6 बज रहा है, तो लगा नहीं है अभी मार्केट वगैरह, क्योंकि बीएमसी वाले बहुत परेशान करते हैं अभी इनको, इसके लिए इन लोग थोड़ी देर के बाद लगाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे। जब तक मेरा जो काम है वो कर लेता हूँ मैं। इधर देखो भाई, इधर की मार्केट चालू है, सिर्फ आपको इधर लेडीज आइटम मिलेगा, देख रहे हो ना, लिपस्टिक आईलाइनर जो चाहिए वो मिलेगा भाई। ये ड्रेस वाले जो बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। इसीलिए आने का मन नहीं करता भाई इस सब मार्केट में, ये सब मार्केट में ना बिल्कुल आने का मन नहीं करता, क्योंकि क्राउड बहुत ज्यादा होता है, मुझे क्राउड बिल्कुल पसंद नहीं है। अगल 5 नंबर, 7 नंबर, 5 नंबर नहीं है क्या वो भैया? 5 नंबर, 5 नंबर करूँगा, फिर वहाँ से जाऊँगा 7 नंबर, एक और काम करूँगा, फिर रिटर्न जाएंगे रात को 11-12 बज जाएंगे, तो विरार पहुँच जाएंगे। अभी रात का 11 बज रहा है और मैं निकल रहा हूँ विरार के लिए, मेरा जो भी काम था 7 नंबर का वो हो चुका है, पहले जाएंगे यहाँ से मलाड स्टेशन, देखते हैं मुझे ट्रेन मिलेगी या नहीं, वो तो स्टेशन पहुँच के पता चलेगा, लेते हैं पहले रिक्शा। स्टेशन भाई मलाड स्टेशन तो पहुँच गया हूँ, 2 मिनट में बस ट्रेन आ रही है मेरी विरार की, डायरेक्ट मिल गई है यहाँ से, मैंने अभी चेक किया शायद पीछे आ रही है, लेते हैं ट्रेन सीधा चलते हैं विरार। ये भाई अपने विरार के ट्रेन लग चुके हैं, 11:49, सिर्फ 4 मिनट बचा आने में, थोड़ा ट्रेन लेट है। ये आ गई भाई अपनी विरार वाली ट्रेन,
क्राउड तो बहुत है यार, मेरे को लगा क्राउड कम रहेगा। यार विराट को पहुंच गया हूँ, अभी एक बजने वाला है। मैंने सोचा था कि क्राउड कम रहेगा, बट यार रात का 12 बजे हो या फिर सुबह के 9 बजे हो या फिर दोपहर के 2 बजे हो, क्राउड में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है भाई। चाहे कुछ भी हो जाए क्राउड तो रहेगा भाई, मुंबई की लोकल ट्रेन है। जाते हैं स्टेशन के बाहर, लेते हैं रिक्शा, फिर चलते हैं सीधा रूम पे। गणपति मंदिर पहुंच गया हूं अपने रूम के आसपास। सिर्फ 2 मिनट में अपने रूम के अंदर एंटर कर जाऊंगा। आगे थोड़ा सा अंधेरा है, चाबी पता नहीं मेरे पास है या नहीं, देखना पड़ेगा। सुबह 1 बज गया है, बहुत लेट हो चुका हूं आज। मुझे तो लगा शायद ट्रेन भी नहीं मिलेगी। चाबी पहले ढूंढता हूं बैग के अंदर है या नहीं। चाबी मिल गई है मुझे, मेरे बैग में ही थी चाबी। अभी मैं पहुँच गया हूँ अपनी सोसाइटी में, मेरा रूम अंदर है, जाके खोलते हैं रूम। ओ भाई पूरा रूम ऐसे ही फैला हुआ है यार, देख रहा हूँ। ये चिल्लर पड़ा है, पानी का बॉटल, बिस्तर देखो ऐसे ही पड़ा है मेरा, कुर्सी। गेट बंद कर देता हूँ भाई पहले। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बहुत टाइम लग गया आने में यार, मुझे लगा था कि पता नहीं ट्रेन मिल पाएगी या नहीं, लेकिन मेरे को मलाड से डायरेक्ट ट्रेन मिल गई थी विरार के लिए, नहीं तो मुझे बोरीवली आना पड़ता। बहुत ज़्यादा थक भी चुका हूँ, खाना मैं खा के आया था मलाड से, जिधर गया था उधर ही खाना खा लिया था मैंने। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बताना, और वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यार आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन सपोर्ट करेगा, इतना सपोर्ट कियो यार, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते फिर किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो।